ऑर्डर 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 लग रहा है कि जज साहब का जूता टाइट है, पैर और जूते में हो रही फाइट है। अबे काहे की वाह, ये तो जज साहब की निकली है। इसका कहना राइट है, मेरा जूता सच में टाइट है। अरे ये सब छोड़िए जज साहब, ये शख्स जो खड़ा परेशान है इसका कारण इस शख्स की जूतों की दुकान है। जज साहब इसकी जूतों की दुकान का नाम जूते बरसेंगे की ही तरह इस पर भी जूते बरसेंगे जब आपको इसकी काली करतूतों का पता चलेगा। जज साहब मुन्ना बोलो। जज साहब मैं मुन्ना मंगोलपुरिया, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में ना जूतम पैसा आरो रखी है। अरे केस क्या है कोई बताएगा? अरे केस क्या है जज साहब, केस तो आईने की तरह साफ है। ये केस मैं पॉलिश कर दिया है जज साहब। तुम क्या बोल रहे हो? जज साहब मैं शकील और अपने केस का खुद ही वकील। पर इसने तो कहा तुम दोषी हो। अरे जज साहब दोषी मेरा भाई है, जुड़वा भाई है, झंडपुरा थाने में दरोगा है वो। अरे मैं इस केस के दोषी की बात कर रहा हूँ। जी जज साहब दोषी आपके सामने खड़ा हुआ है। तो जज साहब हुआ यूं के मुन्ना की बीवी के बाबू की शादी थी। सीधा सीधा बोलो ना, इसके ससुर की शादी थी? अरे ससुर की नहीं थी सर, साले की थी। मुन्ना का जो साला है उसका नाम बाबू है, वो इसकी दुकान पर ब्रांडेड जूते पुम्मा के लेने गया। तो नहीं, वो जूते पम्मा के थे जज साहब, पम्मा के। इसका मतलब उसमें पुम्मा की जगह पम्मा लिखा हुआ था? अरे नहीं जज साहब, पम्मा जो है वो पुम्मा के असली दिखने वाले नकली जूते बनाने वाला कारीगर है। इसका मतलब असली के नाम में नकली जूते छेप दिए। बिल्कुल सही कहा जज साहब आपने, और हद तो उस दिन हो गई जिस दिन जूता छिपाई की रस्म थी, क्योंकि जूता छिपाई की रस्म के दिन बापू ने असली से भी ज्यादा कीमत की रकम सालियों को नेग में दे दी। और बस इसी बात पर उसकी बीवी नाराज हो गई और उसकी बीवी ने इसकी खोपड़ी को देग में दे दिया। ये तो सरासर धोखा है। जज साहब मेरी बीवी मुझसे हिसाब मांग रही है, मैंने उसका दिल तोड़ा, तलाक मांग रही है। एक जोड़ी जूते के चक्कर में दो जोड़े बिछड़ने को तैयार है। जज साहब ये आदमी झूठ बोल रहा है, शकील की दुकान से जूता सिर्फ जाता है वापस नहीं आता है। जज साहब मेरा नसीब सड़ गया, इससे खरीदा जूता मेरे सर पे पड़ गया है। ये केस चल रहा है मुशायरा? मुशायरा है? मुशायरा बानो की तरह था मेरी बीवी का जज साहब, अब चुड़ैल बनी घूम रही है। देख लीजिए जज साहब देख लीजिए, आपके सामने खड़ा है ये शख्स, एक पतिव्रता नारी के क्रोध की चिंगारी मेरे मुवक्किल पर बरस रही है। जज साहब मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। शकील क्या बच्चा है? मेरी दुकान का एक एक जूता सच्चा है। ऑर्डर ऑर्डर। यही वाली यहां निकली थी मेरे साले के मुंह से जज साहब, जब इसकी दुकान का जूता मेरे साले ने पहना था और बोला था झूठ बोल लिया जज साहब, फंसाने की कोशिश कर दिया है। जज साहब ये शख्स आपका ध्यान बांट रहा है। वैसे जज साहब आपने ये जूता कहां से लिया जो आपके पैर में काट रहा है? हाँ हेलो, अरे भाग्यवान जो जूते लिए थे मेरे लिए वो कहाँ से लिए थे? जूते बरसेंगे शॉप से। तेरी सफाई यहाँ भी पकड़ी गई। तभी तो मैं कहूँ मेरे जूते की सोल क्यों जकड़ गई। अरे ये एक ओपन एंड शट केस है जज साहब। जज साहब मैं क्या कह रहा हूँ, जूता वापस कर दो, अभी क्या अभी दूसरा दे रहा हूँ। शट अप, इसको इसी के जूते पहनाकर 5 किलोमीटर जेल में रोज दबाया जाए। जज साहब मेरी एक दरख्वास्त है। अदालत बर्खास्त है, ले जाओ इसे। अरे छोटे जज साहब। और हाँ, तुम्हें हर्जाने के तौर पर 2 जोड़ी जूते असली वाले अदालत में जमा करवाने होंगे। जज साहब एक जोड़ी तो मुन्ना के लिए, दूसरे किसके लिए? समझ गया, पतीली मंगवा लेते ना। और ढंग के केस लाया करो यार, ये पुम्मा पम्मा ले आते हो। जज साहब अब डाबर इस कोर्ट में तभी खड़ा होगा जब कोई केस पड़ा हो। जज साहब